ये स्पाइसी चटपटा होममेड सिजवान सॉस जो बने हैं बाजार से कई गुना बेहतर। इसे आप एक बार बना के फ्रिज में रख के बहुत दिन तक खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं होममेड सिजवान सॉस की रेसिपी जो बनी है बाजार से कई गुना बेहतर। हाँ दोस्तों, सच में इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसे चाउमीन, फ्राइड राइस या फिर कोई भी ग्रेवी में डाल सकते हैं। इसे एक बार बना के कई महीनों तक खा सकते हैं। तो चलिए ये झटपट बनने वाली होममेड सिजवान सॉस की रेसिपी शुरू करते हैं। सेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम सूखे लाल मिर्च। ये कम तीखी वाली है, आप चाहे तो काश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। अगर आपका मिर्च ज़्यादा तीखी है तो उसके बीज निकाल के उससे सॉस बना सकते हैं। ये देखिए, इसे ऐसे तोड़ के इसके बीज निकाल लें और फिर इसे सॉस बनाने में यूज़ करें, क्योंकि ये बीज से ही मिर्च का तीखापन ज़्यादा होते हैं। मैं जो मिर्च यूज़ कर रही हूँ वो कम तीखी वाली है, तो इसीलिए मैं इसके बीज निकाल के बिना ही इससे सॉस बनाऊंगी। और अगर आपके पास दोनों टाइप के मिर्च हो तो आप दोनों टाइप के मिर्च ले सकते हैं। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉस पैन में 2.5 से 3 ग्लास जितना पानी उबाल लिया है। अभी गैस बंद करके ये उबालते हुए पानी में सारे मिर्च को भीगने के लिए छोड़ देंगे। आप मिर्च के ऊपर भी उबालते हुए पानी डाल सकते हैं। थोड़े से इसे दबाए ताकि ये अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए और इसे ढक के भीगने देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। पर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए भिगो सकते हैं। 1 घंटे बाद ढक्कन खोलकर हम देखेंगे हमारा मिर्ची पानी सोख करके फूल गई है और बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गई है। आप देख सकते हैं कि मिर्ची कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और ये जो लाल कलर के पानी आप दिख रहे हैं, चाहे तो आप इसे सॉस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और अगर फेंकना चाहे तो इसे फेंक भी सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो मिर्ची को छान के अब हम इसे एक मिक्सचर जार में डाल देंगे, क्योंकि इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। तो पहले हम पानी नहीं ऐड करेंगे, हम बाद में पानी ऐड करेंगे। जार के ढक्कन लगा के इसे हम पीस लेंगे। आप इसे 2 बार पीस सकते हैं या फिर एक साथ पीस सकते हैं। 1 मिनट इसे पीसने के बाद ये देखिए, ये अभी पूरी तरह से पिसी नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि ये बढ़िया से पेस्ट हो जाए, और फिर 1 मिनट पीस लेती हूँ। दोस्तों, इसे पीसने के बाद इससे हमारा सॉस बनेगा गाढ़ी और बहुत ही बढ़िया। तो अभी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पेस्ट हुआ है, कितना गाढ़ा और अच्छी कंसिस्टेंसी है इसके। आप चाहे तो इसका एकदम फाइन और स्मूथ पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसमें आपको इसे थोड़ा सा और चलाना होगा। तो आप झटपट से सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक पैन या कढ़ाई में लेना है तेल। मैंने यहाँ पे 6 से 7 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तो यहाँ पे तेल आपको थोड़े से ज़्यादा ही लेना है ताकि ये सॉस को आप कोई एयर टाइट कंटेनर में बहुत दिन तक प्रिजर्व कर सके। तो तेल अगर कम लेंगे तो ये ख़राब हो सकते हैं। तेल गर्म होते ही डाल दिया है 3 बड़े चम्मच घिसा हुआ लहसुन और साथ में 2 बड़े चम्मच घिसा हुआ अदरक। मैंने इन दोनों को घिस लिया है। आप चाहे तो इनको बारीक कर सकते हैं या फिर एक साथ मिर्च के साथ पेस्ट कर सकते हैं। इनको हमें 1 मिनट भून लेना है। मैं यहाँ पे सरसों के तेल और रिफाइंड तेल दोनों मिला के इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी एक ले सकते हैं। बस हल्के से भून के यहाँ पे डाल देंगे हमारा मिर्ची का पेस्ट। गैस मीडियम रख के इसे डालें और वो मिक्सर जार में हल्के से पानी मिला के यहाँ पे ऐड कर दें। इससे ये पेस्ट में से कुछ भी वेस्ट नहीं होगी। तो अब हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक ना ये साइड से तेल छोड़े या फिर ग्रेवी के ऊपर तेल ना आ जाए। मतलब इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक्स और टेक्सचर आए हैं ग्रेवी का। तो आप चाहे तो इसे ढक के भून सकते हैं। तो बीच बीच में ढक्कन खोलकर इसे चलाएं ताकि ये कढ़ाई के तले ना लग जाए। कुछ देर बाद ये देखिए, ग्रेवी के ऊपर तेल आ गया है और कितना बढ़िया लुक्स और टेक्सचर आए हैं इनके, और ये साइड से तेल भी छोड़ रही है। तो अब मैं इसको थोड़े से चलाऊंगी। थोड़े से चलाने के बाद अभी यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक।
नमक डाल के आप एक बार चेक कर सकते हैं। एक बड़े चम्मच चीनी, बहुत ही ज़रूरी चीज़, एक बड़े चम्मच विनेगर, जिससे ये सॉस बनेगा थोड़े से खट्टा। इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक बड़े चम्मच सोया सॉस, आप लाइट या डार्क कोई भी एक डाल सकते हैं। और उसी के साथ ऐड कर देंगे एक बड़े चम्मच टोमेटो केचप, आपके पास टोमेटो सॉस हो तो उसे भी डाल सकते हैं। चीनी से आएगा मीठापन और ये स्वाद को बैलेंस करेगी। अब इन सारे फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट्स को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे हमारा सॉस का टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बढ़ेगा। एक मिनट इसे चलाते हुए पकाने के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया है आधा चम्मच धनिया के डंठल, आपके पास अगर सेलरी हो तो यहाँ पे ज़रूर डालें, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट हमारे पास अक्सर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसके बदले में मैं यहाँ पे धनिया के डंठल यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, डंठल के साथ अगर एक दो धनिया पत्ते के टुकड़े आ जाए तो उसे ना फेंक के अच्छी तरह से मिलाए। इसे डालने से सॉस में एक बढ़िया फ्लेवर आएगा। मिलाने के बाद यहाँ पे डालना है 1.5 से 2 कप जितना पानी ग्रेवी को पकाने के लिए, और फिर इसे ढक के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। 7-8 मिनट बाद हम ढक्कन खोल कर देखेंगे हमारा सॉस कितना बढ़िया दिख रहे है। तो अब इसे थोड़े से चलाए। ये सेजवान सॉस को आप एक बार बना के कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख के बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाउमीन बना रहे हो, नूडल्स बना रहे हो, या फिर सेजवान फ्राइड राइस बना रहे हो, या फिर कोई भी चाइनीज़ ग्रेवी बना रहे हो, तो उसमें ये सॉस ज़रूर डालिएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बने हैं, लग रहा है ना एकदम बाजार जैसा। दोस्तों, बाजार का पैकेट वाली सेजवान सॉस से ये कई गुना बेहतर बने हैं, तो इसे ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और एक बार बनाने के बाद कई महीनों तक खा सकते हैं। ये सॉस को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही आप जार में भरें। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए, लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतोमस किचन को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।